अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है और फीमेल से वो कितना कॉम्प्लेक्स है या लेस कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक जर्नल डायग्राम बना के रखी है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी कि MRS, ये दो चीज़ों पे मुश्तमल करता है। एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जिसे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटीलिया कहते हैं, और दूसरा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या इंटरनल जेनिटीलिया जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटीलिया यानी कि वो चीज़ें जो हमें एक मेल जो नेकेड है उसके सामने फिजिकली जो एक्सटर्नली नजर आती है वो, उसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन है पीनस और नंबर टू स्क्रोटम। ठीक है जी, पीनस और स्क्रोटम, वो थैली, वो सैग जो टेस्टिस को कवर करती है और ह्यूमन मेल या कुछ मेल्स के अंदर, ठीक है, मोस्टली मैमल्स के अंदर वो थिक, दोनों थिक के दरमियान हैंग कर रही होती है, उस थैली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम कह रहे होते हैं। ये दो मेल के एक्सटर्नल जेनिटीलिया कहलाते हैं, जबकि मेल के जो इंटरनल जेनिटीलिया होते हैं उसमें आती हैं जी टेस्टिस, देन नंबर टू एक्सेसरी डक्ट, ठीक है जी, वो नालियां जो स्पर्म्स को टेस्टिस से पेनिस तक और बाद में इजैकुलेशन के दौरान बाहर जाने तक मदद देती हैं, उन नालियों को हम लोग कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। और जब स्पर्म टेस्टिस से, ठीक है, नालियों के जरिए गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ ग्लैंड्स आते हैं जो अपनी सक्रीशन, ठीक है जी, वो उस स्पर्म के जाते वक्त स्पर्म जब अपने रास्ते से गुजरा होता है तो स्पर्म के रास्ते में ऐड करते हैं, जिसे हम लोग स्पर्म और सेक्रीशन को कंबाइंड सीमन कहते हैं। ठीक है जी, तो वो ग्लैंड जो इस रास्ते में आते हैं या मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जरूरी हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर होते हैं जो एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग टेस्टिस से ही। ठीक है, टेस्टिस क्या होती हैं, इन्हें हम लोग मेल गुनेड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, टेस्टिस को हम लोग मेल गुनेड्स भी कहते हैं, क्योंकि मेल के अंदर गैमेट्स बनाने की जो जगह है वो टेस्टिस होती है, यहां पर आके गैमेट्स ने बनना होता है। अच्छा जी, कहां पर होती है, तो जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली, जो एक टेस्टिस होती है वो एक थैली के अंदर पैक होती है, बंद होती है। ठीक है, ये मस्कुलर मसल से बनी होती है। तो जो टेस्टिस होती है, ठीक है जी, वो लाए इन स्क्रोटम। ठीक है जी, जो टेस्टिस होती है वो एक मस्कुलर बैग, मस्कुलर सैक में बंद होती है, उस सैक को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, जो कि बिटवीन, ठीक है जी, टू लेग्स होता है। ठीक है, मेल की दोनों टांगों के दरमियान जो मस्कुलर बैग लटक रहा होता है, हैंग कर रहा होता है, ठीक है जी, उसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। अब ये जो स्क्रोटम होता है, ठीक है जी, टेस्टिस के मतलब डिटेल हमने अगली वीडियो में पढ़नी है, यहां पे सिर्फ जर्नल की बात करेंगे। तो जो स्क्रोटम होता है इसके मसल इसे, ठीक है जी, इसके अंदर जो मसल होते हैं वो इसे दो कामों के लिए हेल्पफुल है। नंबर वन एलिवेशन, नंबर टू कंट्रैक्शन। ठीक है जी, जो स्क्रोटम के अंदर मसल होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसके ज्यादा या कम होने की निस्बत से स्क्रोटम के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है जी, तो ये हैंग कर रहे होंगे, या बॉडी से भी ज्यादा टेम्परेचर बाहर है तो ये हैंग कर रहे होते हैं। अगर सर्दियों के जो, जैसा कि विंटर चल रहा है, तो विंटर की कंडीशन में क्या होता है, इसके मसल थोड़े से कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्क्रोटम होता है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट करता है, उसके कंट्रैक्ट करने की वजह से टेस्टिस एब्डोमेन की तरफ, या हम लोग जिसे कहते हैं बॉडी में आना शुरू हो जाती है, बॉडी की तरफ आ शुरू। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है। जो टेस्टिस होती हैं इनके लिए जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री लेस चाहिए देन बॉडी। ठीक है जी, यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि जो टेस्टिस होती है इसके अंदर स्पर्म बनने हैं, स्पर्म का जो बनने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो बॉडी के कोर टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री
कम होना चाहिए. मोस्टली जो बुक्स में ठीक है जी हम लोगों को वैल्यू मिलती है कि कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड. जो स्पर्म के बनने के लिए टेम्परेचर एक एवरेज मेल में होना चाहिए ठीक है, जिसका कोर बॉडी टेम्परेचर 37 है, वो कितना है जी 34 डिग्री सेंटीग्रेड. 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होती है. मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि टेम्परेचर 34 से ऊपर या नीचे होगा तो स्पर्म नहीं बनेगी. नॉर्मली कहा जाता है 2 to 3 डिग्री डिफरेंस होना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर में. जैसा कि एक इंसान का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 34 है, लेकिन 34 एक आइडियल जो बॉडी टेम्परेचर वो 37 है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो 34 टू 35 या 34 पॉइंट समथिंग तक इवैल्यूएट करता है. और ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही टेस्टिस क्या होती हैं ह्यूमन मेल में, ये आउटसाइड होती हैं. कुछ मेल्स के अंदर मैमल के ग्रुप में बात करते हैं, जैसे कि अंडे देने वाले मैमल्स, उनके अंदर टेस्टिस परमानेंटली उनकी बॉडी में रहती है. उनकी टेस्टिस ने अपने आप को उनकी बॉडी टेम्परेचर के लिए ऐसे एडजस्ट किया हुआ है. इसी तरह कुछ मैमल फॉर एग्जांपल रैबिट, जब इनकी ब्रीडिंग सीजन होती है तो टेस्टिस इनकी बॉडी से बाहर आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है, और जब वो सीजन ऑफ हो जाता है तो वो वापस एब्डोमिन में चली जाती है. लेकिन मेल ठीक है जी, इनके अंदर क्या होती है, इनकी टेस्टिस ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिन कैविटी, कैविटी से हमेशा बाहर ही रहती है. क्यों? क्योंकि उसने टेम्परेचर को एडजस्ट करना है कितना, बॉडी से 2 से 3 डिग्री लोअर या आइडियल जिस तरह हम लोग कहते हैं मोस्टली बुक्स में 34 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो टेस्टिस होती हैं, इनके अंदर स्पर्म ने बनना है ठीक है जी. इनका काम क्या जी, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना. और सेक्स हार्मोन निकालना ठीक है जी. टेस्टिस का क्या है, दो काम होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनाना ठीक है ताकि वो फर्टाइल रह सके, और सेक्स हार्मोन बनाना जो कि एक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर लेते हैं, जिसमें आवाज का डीप हो जाना ठीक है, वॉइस डीपन ठीक है, चेहरे पे बालों का आना ठीक है, ये वाले करेक्टर्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन के काम में आते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन 1.7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन ये काम कर रहा होता है. अब जो टेस्टिस के बाद हम लोग चलते हैं, जब टेस्टिस की इंटरनल एनाटमी को देखा जाता है ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम लेंगे, अगली वीडियो जो टेस्टिस के मतलब होगी मेरी उसमें हमने सिर्फ टेस्टिस के ही इंटरनल एनाटमी को स्टडी करना है. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देखेंगे जो टेस्टिस होती है ठीक है, ये राउंड शेप बॉल लाइक ऑर्गन होता है ठीक है, गोनेड्स है. जब हम इसकी इंटरनल एनाटमी देखते हैं, इसको काट के देखते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें मिलता है ठीक है जी. इसके अंदर ये जो रेड कलर में आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ठीक है, ये मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल ठीक है जी, जिसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल. अब ये जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है, इसमें एक सेकंड में मेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स बन रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस ठीक है जी. स्पर्म या गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके मतलब मेरी वीडियो पहले से मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं. जो स्पर्म नेफ्रस ट्यूब्यूल होती है, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल, यहाँ पे स्पर्म बन रहे होते हैं ठीक है जी. इन्हीं सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स को हम लोग फंक्शन वाइज दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं ठीक है जी. एक को हम लोग कहते हैं स्पर्म मैटोगोनिया ठीक है जी, वो सेल जिन्होंने स्पर्म बनाने हैं ठीक है जी. और एक दूसरा सेल होता है जिसे कहते हैं सस्टेंकुलर सेल ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सन ठीक है जी. इन्हें हम लोग कहते हैं नर्सिंग सेल या सस्टेंकुलर सेल, ये वो सक्रीशन प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पर्मेटोजोआ को जरूरी है. और देन उसके बाद ये जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके दरमियान जो खाली जगह है ठीक है, स्पेस है, यहां पे एक और सेल्स होते हैं ठीक है जी. यहां पे और किस्म का एंडोक्राइन मास ऑफ सेल होता है ठीक है, यहां पे क्या होता है, एंडोक्राइन मास ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज मौजूद होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल्स. ठीक है, जिन्हें हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, लीडिंग सेल्स ठीक है जी. इनका रोल भी हमने अगली वीडियो में पढ़ना है. ये स्पर्म की मैच्योरेशन में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं ठीक है. इसके अलावा हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन की हमने बात की थी, उसमें इनका रोल होता है. अच्छा जी, देन उसके बाद टेस्टिस से जब स्पर्म बन जाता है, सॉरी स्पर्मेटोजोआ होता है ठीक है. अभी स्पर्म की जो पोस्ट चेंजेस होती हैं जो ठीक है जी, स्पर्म की हेड
फ्लैजेला, ठीक है, ये प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनना था वो नहीं बनता अभी. स्पर्म क्या होता है, इमेच्योर होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है. तो इसे वहां से टेस्टी से आगे थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, वहां से स्पर्म को जो फ्यूचर स्पर्म है, ठीक है जी, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटिड, उसे ट्रांसफर किया जाएगा ट्यूब्यूल्स में. वो ट्यूब्यूल्स टेस्टिस की जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल उसमें और एपिडिडिमस इन दोनों के दरमियान होते हैं, ठीक है जी. वो ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होती हैं, इन दोनों के दरमियान. यहाँ पे आपको रेड के बाद ब्लैक कलर की लाइनें नजर आ रही होंगी, ठीक है जी. वो स्पर्मेटिड को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है जी. यहां पे आने के बाद स्पर्मेटिड को आगे ट्यूबुलर, ठीक है, क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक क्लस्टर में भेज दिया जाता है, जो कि यहां पे आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है. इसे हम लोग कहते हैं एपिडिडिमस. एपिडिडिमस का काम क्या जी, इसने स्पर्मेटिड को, ठीक है जी, रिसीव करना होता है टेस्टिस से, जनरली कहा जाता है, या रेटी टेस्टिस से, और वहां पर ले जाने के बाद जो एपिडिडिमस है जी, एपिडिडिमस क्या जी, ये ट्यूब्स हैं जो कहां पे होती हैं, आफ्टर द टेस्टिस, ठीक है जी, टेस्टिस के बाद आती हैं. इसको नॉर्मली हम लोग थ्री कॉइल ट्यूब में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो सॉरी मैं यहां पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा. तो अब ये जो एपिडिडिमस होता है, इसके जनरली हम लोग इसके काम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी. इसके काम में सबसे पहला जो है वो है रिसीव करना, ठीक है जी. पहला काम क्या जी, ये स्पर्मेटिड को रिसीव करता है. उसके बाद उस स्पर्मेटिड की जो मैच्योरेशन होती है, ठीक है जी, वो मैच्योर होने के बाद स्पर्म बनता है, वो यहां पे होती है. तो ये क्या जी, ये साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरिंग है, ठीक है. स्पर्म ने जहां पे जाके मैच्योर होना है, उसके बाद स्पर्म यहीं पर रहता है जब तक के इजैकुलेशन का टाइम ना हो. और उसके बाद जैसे ही ये स्पर्म की इजैकुलेशन का टाइम होता है, तो इसे जो थिन ट्यूब्स है वहां से ब्रॉडर, थिक, ज्यादा मोटी ट्यूब जिसका डायमीटर एपिडिडिमस से ज्यादा है, वहां पे प्रोपेल कर दिया जाता है बाय द मींस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ठीक है जी. पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़नी है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह की, क्योंकि ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, तो इसकी कंट्रैक्शन से क्या होता है, मेच्योर स्पर्म वो प्रोपेल करके एक ज्यादा मोटी डायमीटर के लिए ऐसे ट्यूब में चला जाता है. उसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, ठीक है. ये एक नाली है जो एपिडिडिमस से आगे की तरफ जाती है, जो कि स्पर्म की जो एग्जैकुलेशन के दौरान जो जर्नी होगी उसमें इन्वॉल्व होती है. तो वास डिफरेंस क्या करती है, ये रिसीव करती है किसको, स्पर्म्स को, किस से, एपिडिडिमस से. अब ये वास डिफरेंस क्या करती है, ये मूव करती है, ठीक है जी, और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से ये इस पॉइंट पे आके ओपन होते हैं, ठीक है. जिस तरह ये एक यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये ट्यूब ऊपर से आती है और यहां से पीछे से आके नीचे को ओपन होती है. अब यहां पे जो एक बात है कि ये वास डिफरेंस जब ऊपर से जाती है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी से होती है. एब्डोमिनल कैविटी और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो हम लोग रूफ कह सकते हैं, ठीक है जी, वहां पे एक सुराख होता है. उस सुराख को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल. मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर सकता हूं कि यहां पे क्या होता है, जो स्पर्म होता है ठीक है जी, तो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह, जिसमें से क्या होगा, वास डिफरेंस एंटर हो रही है, ठीक है जी. वास डिफरेंस क्या होती है, एंटर होती है, और ये एब्डोमेन कैविटी और यूरिनरी ब्लैडर से दरमियान में मौजूद होती है. इस जगह पे ये जो होल होता है, ठीक है, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल. इसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, इंग्विनल कैनाल, ठीक है जी. यहां से क्या होता है, वास डिफरेंस एब्डोमेन से नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बैक साइड से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से बेस पे आके जुड़ती है, ठीक है. तो यहां पे जो वास डिफरेंस होती है, बेस पे आके जुड़ती है, इस जिस रास्ते से ये एब्डोमेन से यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल. यहां पे अगर ये इंग्विनल कैनाल की जो दीवारें हैं, मसल्स हैं, वो वीक हो जाए, ठीक है, तो कभी कभार खुदा ना खास्ता जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो डाउनवर्ड डिसेंड हो जाता है,
इस बीमारी को हम लोग हर्निया कहते हैं, इंग्वेनल हर्निया का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब यूरिनरी ब्लैडर से पीछे आने के बाद ये उसकी बेस पे, पीनस से ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की बेस के ऊपर ये जुड़ती है किससे, यहां पे ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो ये पहला एक्सेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, वो है ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये कहां पे होता है जी, तो ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे आपको मिलता है, ठीक है जी। यूबी यूरिनरी ब्लैडर की बेस के ऊपर मौजूद होता है, और जब सेमिनल वेसिकल और ठीक है ये वाला पार्ट, जब सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों जॉइंट होती है तो एक नाली बनती है, ठीक है। यहां पे मे भी आपको शायद शो ना हो पाए कि सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस ये दोनों जुड़ती है, और ये वाली जो नाली बनती है इस नाली को, ठीक है, ये वाली जो नाली है इस नाली को हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है जी। और ये जो होल स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर, इसे एम्ब्यूला कहा जाता है। तो ये वाली जो नाली होती है यहां पे बेसिकली ये वाला पॉइंट, जहां पे दोनों जो वास डिफरेंस है या दोनों सेमिनल वेसिकल उनकी सेक्रीशन कंबाइन एक नाली की फॉर्म में यूरेथ्रा से आती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये वाला जो बेसिकली पॉइंट है। मैं यहां पे बोल्ड करने की कोशिश करता हूं, मे भी आपको नजर आ जाए, ठीक है जी। ये वाला जो सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस के जुड़ने से बनता है, यहां पे ये जो पॉइंट बनता है इसे हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहां से क्या होता है, स्पर्म को इजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग इंटरकर्स। अच्छा जी, अब एक्सेसरी डक्ट की बात की जाए तो सिर्फ एक ग्लैंड, सॉरी एक्सेसरी ग्लैंड की बात की जाए, सिर्फ एक अकेला वेसिकल सेमिनल वेसिकल ही नहीं होता, बल्कि उससे बिल्कुल नीचे, ठीक है, जहां पे पीनस और यूरिनरी ब्लैड का कनेक्शन होता है वहां से थोड़ा सा ऊपर एक, यहां पे आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है जी। अब सेमिनल वेसिकल, इन दोनों ग्लैंड का जो मेजर काम होता है वो होता है नरिशमेंट करना। जो स्पर्म आ गया है, ठीक है, वो यहां पे आने के बाद स्टोर होता है, यहां पे एक पॉइंट होता है जिसे मैंने एम्ब्यूला पिछली अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वहां पे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, 3 या 4 दिन के बाद इजैकुलेशन के। तो वहां पे जो स्पर्म होते हैं उनको नरिश करना, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और जब स्पर्म की इजैकुलेशन हो जाती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जब स्पर्म ने जाना है, ठीक है, तो उसमें स्पर्म की जो मोशन है या स्पर्म का जो फ्लैजिल है उसे मूव करना है। स्पर्म के लिहाज से वो जो छोटा सा रास्ता है वो काफी ज्यादा, तो उसे हाई एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इसे जिस न्यूट्रिशन से मिलनी है वो काम सेमिनल वेसिकल करता है। तो जो सेमिनल वेसिकल होती है ये सेक्रीशन रिलीज करती है जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा होता है, ठीक है जी, म्यूकस, उसके अलावा फ्रक्टोज रिचली कंपाउंड होता है जो कि स्पर्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। देन उसके बाद जैसे स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट से गुजरता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरता है, तो यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये म्यूकसी सेक्रीशन लुब्रिकेशन, ठीक है जी, ये वाले कंपोनेंट सेक्रीट करता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्पर्म की, और वजीना के अंदर जो रास्ता होगा, ठीक है, उसके अंदर वजीना की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो एसिडिक होती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव के लिहाज से बीमारी होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। देन उसके बाद इस ग्रीन से नीचे ही आपको दो, ठीक है जी, रॉड शेप ग्लैंड नजर आ रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो जो तीसरा और आखिरी ग्लैंड होता है उसे हम लोग कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है जी, जो तीसरा और आखिरी क्या जी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम क्या है जी, स्पर्म या इजैकुलेशन से पहले ये एक्टिव होता है, ठीक है, इंटरकर्स के दौरान, अरोजल ऑफ सेक्स के दौरान। तो इसमें से जो सिक्रीशन निकलती है उसके अंदर कंपोनेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये जो यूरेथ्रा है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो अलग है, ठीक है जी, और यूरेथ्रल ओपनिंग वो अलग है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा
एक ही ओपनिंग है जो दोनों काम करती है, ये यूरिन के लिए भी यही रास्ता है आउटसाइड का, और स्पर्म की इजैकुलेशन का भी यही रास्ता है। तो जो यूरिन होता है ह्यूमन का, मेल का, वो एसडी की नेचर होता है, वजीना भी एसडी की नेचर होती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले ही सेक्रीशन रिलीज करता है, जो कि इस रास्ते से स्पीनस का जो हेड है जिसे ग्लैंड्स कहते हैं वहां से ड्रॉप की फॉर्म में कभी कभार रिलीज भी हो सकती है। इसका काम क्या थी, जो यूरेथ्रा की एसडी कंडीशन थी उसको न्यूट्रलाइज करना है, और जब जो सीमन है, ठीक है, स्पर्म प्लस जितने भी ये ग्लैंड है इनकी सेक्रीशन इकट्ठी वजीना में जाएगी, तो कुछ कंपोनेंट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी होते हैं जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिसमें टेस्टिस, ठीक है जी, टेस्टिस को एक थैली ने कवर किया होता है, स्क्रूटम होता है, उसके बाद एपिडिडिमस है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल है, देन उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और एट द एंड इजैकुलेशन के लिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के पास है, पीनस जिसे कहते हैं, वो आता है। तो इन स्ट्रक्चर से मिलके एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है जो कि फीमेल से थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है। वजह फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की हमने पीछे बात कर ली थी, वो चलते हैं, जबकि मेल के अंदर लगातार सेक्रीशन होती रहती है। और जो एजैकुलेशन है उसके दौरान जो मेल के अंदर से स्पर्म की रिलीजिंग होती है वो 3 to 4 ml या जिसे 1 teaspoon कहा जाता है वो होती है, और वो इजैकुलेशन के दौरान इन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशन है वो भी कंबाइन होती है, प्लस स्पर्म जो गया वो भी कंबाइन होता है। तो जब हम लोग सीमन की बात करते हैं तो इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, इसमें 10% स्पर्म होते हैं जबकि 90% क्या होती है, सेक्रीशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये दोनों सेक्रीशन कहां से, ये जितना भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के दौरान जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं इन्होंने जो सेक्रीशन निकाली वो, प्लस टेस्टिस से जो स्पर्म आया था या यहां पे एम्ब्यूला में जो स्पर्म स्टोर थे वो, ये दोनों मिलके एक वाइटिस, ठीक है, सब्सटेंस की फॉर्म में पीनस से बाहर निकलते हैं ड्यूरिंग इंटरकर्स, ठीक है जी। तो उस वाइटिस सब्सटेंस को हम लोग सीमन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके मतलब अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।